बच्चों नमस्कार, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा चौथी के पाठ 6 लंबाई का भाग 2 देखेंगे और उस पे गणित की कुछ अवधारणाएं स्पष्ट करेंगे। तो आइए बच्चों चालू करते हैं। बच्चों आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक बच्चा एक सेब को उठाया हुआ है। बच्चों आप देखिए, आप जब किसी सेब को उठाएंगे तो आपको उसका कुछ वजन महसूस होगा। बच्चों आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे देखिए कुछ बाट भी दिखाई दे रहा है, जैसे 1 किलो का बाट, 500 ग्राम का बाट, उसी तरह 250 ग्राम के बाट, 100 ग्राम के बाट, 50 ग्राम के बाट, इस तरह अलग अलग बाट होते हैं। बच्चों आपने क्या कभी इन बाटों को उठा के देखा है? तो इनका जो भार होता है आप महसूस करके देखे हैं क्या? तो बच्चों आज हम इसी पे गतिविधि करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखिए एक तालिका बनाई है जिसमें पहला जो कॉलम है उसमें हमने वजन को रखा है, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम, और हमें देखना है कि उतने वजन में कौन कौन सी वस्तुएं आ सकती हैं। तो बच्चों आप देखिए नीचे में 50 ग्राम में हमने लिखा है कि 50 ग्राम में 2 नींबू आ सकते हैं। उसी प्रकार हमने लिखा कि 100 ग्राम में आपका एक सेब आ सकता है। अब बच्चों आप अभ्यास करके देखिए कि 200 ग्राम में कोई भी वस्तु कितनी आ सकती है या 500 ग्राम में कोई भी वस्तु कितनी आएगी। तो बच्चों आप इस गतिविधि को करके देखिए तथा इस तालिका को भरिए, ये आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। आइए बच्चों हम एक और गतिविधि करके देखते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक तालिका दिखाई दे रही है, जैसे इस तालिका में हमने लिखा है गणित की पुस्तक, डस्टर, घंटी, ताला, स्लेट और चौक भरा डब्बा। बच्चों आपको इन वस्तुओं को उठाना है और एक अनुमान लगाना है कि ये वस्तुएं कितनी भारी हैं, और उस अनुमान से आपको पहली तालिका भर देनी है। अब बच्चों आपको उन सभी वस्तुओं का वास्तविक मापन करना है, अर्थात आप तराजू में जाके देखिए कि उस वस्तु का वास्तविक मान कितना है, और जितना होगा उसे आप दूसरी तालिका में भर दीजिए। अब देखिए बच्चों कि आपने जो अनुमान लगाया था वह अनुमान कितना सही है या कितना उसमें अंतर आ रहा है। तो बच्चों अगर बहुत ज़्यादा अंतर भी आएगा तो आप मत घबराइएगा, क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास से आपका अनुमान सही होता जाएगा। आप ये गतिविधि करके देखिए, ये तालिका आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई है। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारी जो भार की दो प्रमुख मात्रक है किलोग्राम और ग्राम, उनमें क्या संबंध होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, उसी तरह हम जो आधा किलोग्राम बोलते हैं वह कितने बराबर होता है बच्चों? 500 ग्राम के बराबर होता है। हम जो 1 पाव बोलते हैं या हम 1/4 किलोग्राम बोलते हैं वह कितने के बराबर होता है बच्चों? 250 ग्राम के बराबर होता है। तो बच्चों अब हमें यही अभ्यास करना है, हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलकर कुल मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक अभ्यास दिखाई दे रहा है जिसमें हमने लिया है 5 किलोग्राम, 250 ग्राम। अब हमें इसे ग्राम में बदलना है। तो बच्चों हमने पहले ही देखा है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो हमने लिख दिया
5 × 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम के जगह रख दिया 1000 ग्राम। तो 5 × 1000 ग्राम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5000 ग्राम। अब इस 5000 ग्राम में 250 ग्राम को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5250 ग्राम। अर्थात 5 किलोग्राम 250 ग्राम को हम 5250 ग्राम भी लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको इसी का अभ्यास करना है। आपको यहाँ पे कुछ अभ्यास दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पाठ्यपुस्तक में भी है, आप इसे करके देखिए और बताइए कि इन सभी मानों का ग्राम में कितना मान होगा। अब बच्चों हम कुछ और सवाल करके देखते हैं जिसमें हमको ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बांटना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं। पहला अभ्यास मैं आपको करके बता रहा हूँ जिसमें लिखा है 7300 ग्राम। अब इसे हमें ग्राम में और किलोग्राम में बदलना है। तो बच्चों हमें पता ही है 1000 ग्राम बराबर कितने होते हैं, तो 1 किलोग्राम। तो आइए बच्चों हम करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास कुल कितना मान है, 7300 ग्राम। तो यहाँ पे हज़ार में कितना है बच्चों, 7000। तो 7000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7 किलोग्राम। तो देखिए मैंने यहाँ पे किलोग्राम में क्या लिख दिया, 7। अब कितने बच गए बच्चों, 300 ग्राम। तो ग्राम में मैंने लिख दिया 300। इसी प्रकार बच्चों आपको नीचे दी गई भार को भी किलोग्राम और ग्राम में बदलना है। ये अभ्यास आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई है, आप उसमें करके देखिए। अब बच्चों हम देखते हैं कि यदि हमें दो भार को आपस में जोड़ना पड़े तो हम उसे कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक अभ्यास करके देखते हैं। यह अभ्यास आपके पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं बच्चों कि दो टोकरियों में रखे धान को तौला गया। एक टोकरी में 17 किलोग्राम 450 ग्राम तथा दूसरी टोकरी में 16 किलोग्राम और 700 ग्राम धान था। यदि दोनों टोकरियों के धान को मिला दिया जाए तो बताओ धान का कुल कितना वजन होगा। तो बच्चों जब हम दोनों टोकरी को आपस में मिला देंगे तो दोनों भार आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। अर्थात हमें पहले भार को दूसरे भार में जोड़ देना है। यहाँ पे हम जोड़ते समय याद रखेंगे कि हम ग्राम को ग्राम में जोड़ेंगे और किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ेंगे। जी हाँ, जिस तरह आपने पिछले अभ्यास में सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जोड़ा था और मीटर को मीटर में जोड़ा था, इसी प्रकार हम यहाँ पे भी ग्राम को ग्राम में और किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों हमने जो ग्राम दिए गए थे उनको भी लिख दिया और जो किलोग्राम दिए गए थे उन्हें भी लिख दिया। आप जोड़ दीजिए बच्चों। तो 450 ग्राम में जब हम 700 ग्राम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1150 ग्राम। उसी प्रकार जब हम 17 किलोग्राम में 16 किलोग्राम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 33 किलोग्राम। अब बच्चों हमारा कुल वजन कितना आ गया, 33 किलोग्राम और 1150 ग्राम। पर बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि जो ग्राम है वो 1150 आ रहा है, अर्थात हम उसमें से कुछ किलोग्राम बाहर निकाल सकते हैं क्या। तो जी हाँ, हम 1150 ग्राम को 1000 ग्राम धन 150 ग्राम लिख सकते हैं। और वह 1000 ग्राम कितने के बराबर होगा बच्चों, 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 33 किलोग्राम धन 1 किलोग्राम धन 150 ग्राम। तो अब
किलोग्राम को भी आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 34 किलोग्राम और 150 ग्राम। अर्थात धान का कुल वजन 34 किलोग्राम 150 ग्राम होगा। अब बच्चों इसी प्रकार से कुछ अभ्यास आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह आपके पुस्तक में भी है, आप जाइए और इनका अभ्यास करके देखिए। अब बच्चों हम देखते हैं कि यदि भार को भार में से घटाना पड़े तो हम किस प्रकार से उन्हें घटाएंगे, तो उसके लिए भी मैंने एक उदाहरण लिया है, ये उदाहरण भी आपके पाठ्यपुस्तक से है। तो चलिए बच्चों हम करके देखते हैं। उदाहरण के रूप में प्रश्न है बच्चों कि एक दुकानदार 80 किलोग्राम 950 ग्राम चावल खरीद कर लाया और उसमें से 46 किलोग्राम और 750 ग्राम चावल बेच दिया, बताओ दुकानदार के पास कितना चावल बचा। तो बच्चों उसने जो कुल चावल लाया था जब वह उसमें से चावल बेच दिया तो वह चावल कम हो जाएगी। अब कम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चावल उसने खरीद के लाया उसमें से जो उसने बेच दिया उस वजन को घटा देते हैं। तो बच्चों दुकानदार ने कितना चावल खरीद के लाया था, 80 किलोग्राम और 950 ग्राम हमने लिख दिया, और कितना चावल उसने बेच दिया, 46 किलोग्राम और 750 ग्राम हमने लिख दिया। पर बच्चों लिखते समय आप ध्यान रखिएगा कि ग्राम के नीचे ग्राम को और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम को लिखना है। अब बच्चों आप घटा दीजिए, जैसे हम सामान्यतः घटाते हैं आपको उसी विधि से इसे भी घटाना है। तो 950 में से हम जब 750 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 200, अर्थात 200 ग्राम। उसी प्रकार जब हम 80 किलोग्राम में से 46 किलोग्राम घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 34 किलोग्राम। तो इस प्रकार दुकानदार के पास अब 34 किलोग्राम और 200 ग्राम चावल शेष बचा है। बच्चों इसी प्रकार से कुछ अभ्यास आपको आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास करके देखिए। अब बच्चों हम देखते हैं कि यदि एक ही भार बार बार हमें जोड़ना पड़े तो क्या हम इसमें गुणा की मदद ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों। यदि कोई भी भार आपको बार बार जोड़ना पड़ रहा है तो हम उसे गुणा के रूप में कर सकते हैं। तो आइए इसका भी एक अभ्यास करके देखते हैं। तो बच्चों अभ्यास के रूप में हम एक प्रश्न ले रहे हैं जो कि इस प्रकार है, एक पैकेट में 1 किलोग्राम 200 ग्राम टॉफियां हैं, तो ऐसे 7 पैकेट की टॉफियों का भार कितना होगा। तो बच्चों एक पैकेट का भार कितना दिया गया है, तो 1 किलोग्राम और 200 ग्राम, उसमें हम 7 का गुणा कर देंगे। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हम ग्राम में अलग गुना करेंगे और किलोग्राम में अलग गुना करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गुना कर दिया, तो 200 में जब हम 7 का गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बिल्कुल सही 1400, तो हमारे पास हो गया 1400 ग्राम। उसी प्रकार 1 किलोग्राम में जब हम 7 का गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7 × 7, तो ये हो जाएगा 7 किलोग्राम। तो अब हमारे पास कुल कितना वजन हो गया बच्चों, 7 किलोग्राम और 1400 ग्राम। पर बच्चों आप देखें कि ग्राम क्या हो गया है, 1000 से अधिक हो गया है। तो जब ग्राम 1000 से अधिक हो जाता है तो हम उसे किलोग्राम में बदल देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम 1400 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं, 1000 ग्राम धन 400 ग्राम। अब 1000 ग्राम के बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 किलोग्राम। तो कुल कितने हो जाएंगे बच्चों, 8 किलोग्राम और 400 ग्राम।
तो हमारे टॉफियों का कुल वजन हो जाएगा 8 किलोग्राम 400 ग्राम। अब बच्चों हम एक नई अवधारणा देखते हैं जिसका नाम है धारिता। तो आपको बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको बाल्टीन, जग, मग, घमेला इस प्रकार से अलग अलग वस्तुएं दिखाई दे रही है तथा एक लड़की उन सभी में पानी भर रही है। क्या बच्चों इन सभी वस्तुओं में पानी एक समान आएगा? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि सभी में पानी की मात्रा अलग अलग होगी। किसी में पानी ज़्यादा आएगा और किसी में पानी कम आएगा। तो बच्चों जिसमें जितना पानी आ रहा है हम कहेंगे वह उसकी उतनी धारिता है, अर्थात धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। तो बच्चों पिछली कक्षा में आपने कुछ अभ्यास किए थे, जैसे कप में, गिलास में कितना मिलीलीटर पानी या दूध आता है, उसी प्रकार आप देखे होंगे कि जग में या बड़ी वस्तुओं में कितना लीटर दूध या पानी आता है। तो आपको अभ्यास से एक अंदाज़ा हो गया होगा कि कप में कितना मिलीलीटर पानी आता है या गिलास में कितना मिलीलीटर पानी आता है। तो आइए बच्चों अब हम आप ही के उस अनुमान को देखते हैं कि आपका अनुमान सही है या गलत। तो हमने बच्चों यहाँ पे कुछ वस्तुएं ली हैं जिसकी हमने एक तालिका बनाई, आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने लिया है बाल्टी, जग, गिलास और कप। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि बाल्टी, जग ये बड़ी वस्तुएं हैं तो इनकी धारिता हम लीटर से नापेंगे, और कप और गिलास छोटी वस्तु हैं तो इनकी धारिता हम मिलीलीटर में नापेंगे। तो बच्चों पहले आप अनुमान लगाइए कि इन वस्तुओं में कितनी धारिता होगी, उसे आप पहली तालिका में भर दीजिए। अब बच्चों हमने जो आपको मात्रक दिखाए थे उन मात्रक की सहायता से आप इन वस्तुओं का वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए कि इनकी वास्तविक धारिता क्या होगी, और उसे फिर आप दूसरी तालिका में लिख दीजिए। और देखिए बच्चों कि आपने जो अनुमान लगाया था क्या वो अनुमान और वास्तविक मान दोनों एक समान हैं या उनमें कुछ अंतर है। बच्चों अब आपको इन सभी वस्तुओं की धारिता को माप कर ज्ञात करना है। अब बच्चों आपके घरों में 1 लीटर का डब्बा बड़े आसानी से मिल जाएगा, उससे आप बाल्टी और जग की धारिता ज्ञात कर लीजिएगा। और बच्चों कप और गिलास की धारिता ज्ञात करने के लिए आप देखे होंगे तो आपको कई छोटी वस्तुओं में जैसे दवाई की सीसी के साथ भी आपको छोटे मात्रक दिए गए रहते हैं जिसमें 5 ml 10 ml। तो बच्चों आपके घर में दवाई के साथ आपको छोटी सी ढक्कन दी रहती है जिसमें 5 ml 10 ml के निशान बने हुए रहते हैं, तो आपको उसकी सहायता से कप और गिलास की धारिता ज्ञात कर लेनी है और उस मान को आपको दूसरी तालिका में लिख देना है। अब बच्चों आप देखिए कि जो आपने अनुमान लगाया था वह अनुमान और उसकी वास्तविक धारिता में कितना अंतर है। अगर दोनों एक समान हुआ तब तो आपका अनुमान बहुत सही है, और अगर उसमें कुछ अंतर भी आ जाता है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आपका अनुमान सही होता जाएगा। आप इन अभ्यास को घर में करके देखिएगा। बच्चों यहाँ पे हमने 4 वस्तुएं ली थी, आपके घरों में तो और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, आप उन वस्तुओं का भी धारिता ज्ञात करके देखिए और अपने दोस्तों से भी एक प्रतियोगिता करके देखिए कि आपका अनुमान सही है या आपके सहपाठी का। तो इस प्रकार आप इससे खेल भी खेल सकते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
हम जो मात्रक उपयोग कर रहे हैं लीटर और मिलीलीटर, उनमें आपस में क्या संबंध होता है और उसे हम एक दूसरे में अदल बदल सकते हैं या नहीं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों हमें पता ही है कि एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, या फिर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होते हैं। तो अब बच्चों हम लीटर को मिलीलीटर में बदल कर देखते हैं। तो यहाँ पे अभ्यास के रूप में मैंने एक प्रश्न लिया है जिसमें मुझे 3 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो देखो बच्चों मैंने लिख लिया 3 लीटर बराबर 1 लीटर धन 1 लीटर धन 1 लीटर। अब 1 लीटर बराबर कितना होता है बच्चों? 1000 मिलीलीटर। तो मैंने लिख दिया 1000 मिलीलीटर धन 1000 मिलीलीटर धन 1000 मिलीलीटर। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3000 मिलीलीटर। तो हम कह सकते हैं कि 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर होते हैं। इसी प्रकार बच्चों और भी अभ्यास आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, आप उसमें लीटर को मिलीलीटर में बदल कर देखिएगा। अब बच्चों यदि हमको लीटर और मिलीलीटर दोनों दिया रहेगा और हमें मिलीलीटर में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, आइए उसका भी एक अभ्यास करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया जिसमें 5 लीटर और 250 मिलीलीटर दिया गया है जिसे हमें मिलीलीटर में बदलना है। तो बच्चों यहाँ पे हम 5 लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो हमने कर लिया 5 × 1 लीटर धन 250 मिलीलीटर। अब 1 लीटर बराबर कितना होता है बच्चों? 1000 मिलीलीटर। तो अब हो जाएगा 5 × 1000 मिलीलीटर धन 250 मिलीलीटर, अर्थात 5000 मिलीलीटर धन 250 मिलीलीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों तो कितना हो जाएगा? 5250 मिलीलीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम इसे भी मिलीलीटर में बदल सकते हैं। अब बच्चों आपको कुछ अभ्यास दिखाई दे रहे होंगे, आपके पाठ्यपुस्तक में ये सारे अभ्यास दिए गए हैं, आप इनका अभ्यास करके देखिए। अब बच्चों हम देखते हैं क्या हम धारिता को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो जवाब होगा बच्चों बिल्कुल, हम धारिता को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न लेके अभ्यास करा रहा हूँ। प्रश्न है, राम भरोसा ने एक ड्रम से पहले दिन 9 लीटर 550 मिलीलीटर और दूसरे दिन 7 लीटर 250 मिलीलीटर मिट्टी का तेल निकाला, बताओ उसने कुल कितना मिट्टी का तेल निकाला। तो देखिए राम भरोसा ने उस ड्रम से 2 बार तेल निकाले थे, एक बार 9 लीटर 550 मिलीलीटर और दूसरी बार 7 लीटर 250 मिलीलीटर। अब हम यदि दोनों को जोड़ दें तो हमें कुल पता चल जाएगा कि उसने कितना तेल निकाला। तो जोड़ते समय बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि हमें मिलीलीटर को मिलीलीटर में जोड़ना है और लीटर को लीटर में जोड़ना है। तो देखिए बच्चों हमने मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख दिया और लीटर के नीचे लीटर लिख दिया। अब हमें जो सामान्य विधि है उसी प्रकार से जोड़ना है। 550 में 250 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 800। तो यहाँ हो जाएगा 800 मिलीलीटर। उसी प्रकार 9 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 16 लीटर। तो यहाँ पे कुल योग कितना है बच्चों? 16 लीटर 800 मिलीलीटर। तो हम बोल सकते हैं कि राम भरोसा ने कुल 16 लीटर 800 मिलीलीटर तेल निकाला। इसी प्रकार बच्चों और भी कुछ अभ्यास आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, आप उसे करके देखिए। अब बच्चों इसी प्रकार से कुछ इबारती प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, आप उसे करके देखिए, आज आपका यही गृह कार्य है। अब बच्चों हम आपसे मिलेंगे गणित की अगली कक्षा में कुछ नए अवधारणाओं के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।